तो आज हम लोग बात करेंगे हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है 100। इस वेब सीरीज में हमें नजर आती है लारा दत्ता, रिंकू राजगुरु, मकरन देशपांडे, परमी शेट्टी और करण वाई। इस सीरीज में हमें तकरीबन 8 एपिसोड देखने मिलते हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 31 मिनट से लेकर 47 मिनट के बीच में। खैर, इस सीरीज में हमें दो मेन कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, पहली तो नेत्र पाटिल और दूसरी सौम्य शुक्ला। नेत्र पाटिल की बात करो तो वो मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट सेंसस डिपार्टमेंट में जॉब करती है और उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के एल लग चुके। वही अगर सौम्य शुक्ला की बात करो तो वो कहने को ACP है, मगर उसको ना ही बड़े केसेस मिलते ना ही उसको प्रमोशन मिलता है और इसी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है। साथ साथ वो मैरिड भी है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है डीजे मेडी के साथ, जिसका यहाँ पर रोल प्ले कर रहे करण वाई। खैर, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नेत्र पाटिल को पता चलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद वो किस तरह से सौम्य शुक्ला से मिलते हैं, फिर ये दोनों मिलकर किस तरीके से बवाल मचाते या क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ी जिसका नाम है 100। अब मैं आपको बता दें कि सीरीज मुझे पर्सनली कैसे लगी। तो देखिए, जिस तरह से सीरीज का ट्रेलर को एडिट किया, अगर उसी तरह से सीरीज को भी एडिट करते तो सीरीज वाकई में देखने लायक बनती। कहने को तो ये सीरीज एक्शन कॉमेडी है, मगर यहाँ पर ना ही आपको एक्शन देखने को मिलता है ना ही आपको ठीक तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती। और अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को ऐसा नहीं लिखा गया जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो। सच बता रहा हूँ, किसी भी कैरेक्टर से, इवन आप ना नेत्र पाटिल से कनेक्ट हो पाते हो ना ही आप सौम्य शुक्ला से, और जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए और कुछ भी नहीं। ये हॉटस्टार की तरफ से वन ऑफ द वर्स्ट सीरीज में से एक है, मुझे पसंद से महसूस होता है, क्योंकि स्टार्ट के 3 एपिसोड फिर भी देखने लायक है, लेकिन उसके आगे के एपिसोड देख के मैं ये सोच रहा था कि मैं इस सीरीज को देख ही क्यों रहा हूं। कुछ भी ऐसी चीज देखने को मिली नहीं रही जो मैं चाहता हूँ। और जो ट्विस्ट है इस सीरीज में, वो ट्विस्ट है 8वें एपिसोड में, और वो ट्विस्ट भी आप लोग इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे। अगर इस सीरीज को आप स्टार्ट से देखोगे गौर से तो आपको पता चल जाएगा हमें 8वें एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा, और एग्जैक्ट वही चीज देखने को मिलती है। अगर वो सेम चीज अगर ये 4थे या 5वें एपिसोड में बताया था तो शायद उस सीरीज को जो देखने का जो नजरिया, वो नजरिया मेरा डेफिनेटली चेंज होता है, लेकिन वो जो चीज थी वो इतनी देर से आती कि आपको जो इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर रिंकी राजगुरु और लारा दत्ता दोनों ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। करण भाई की बात को तो उसके हाथ में जितना भी काम था उसने अपना काम अच्छा करके दिखाया। परमित शेट्टी के यहाँ पर इतना स्क्रीन टाइमिंग नहीं है, और अगर मकरन देशपांडे की बात को तो वो जितने जबरदस्त एक्टर है उतने ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर उनको वेस्ट भी किया। उसके अलावा और भी दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है जिसका काम मुझे ओके लगा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ये सीरीज देख के, तो इस वजह से मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 5 में से 2 स्टार। अगर आपको ये सीरीज देखनी तो आप इसे जरूर देखना। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देख चुके हो तो आपको ये सीरीज देखकर कैसा लगा ये सब कुछ मुझे आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट।